we have entered Tapo Monastery. This is the oldest. वो खाना मुझे वहाँ पे कुछ बढ़िया ट्राई करूँगा. सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे आप रुक सकते हैं. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर. और लास्ट टाइम जब आपने देखा था पिछले पार्ट में कि हम टाबो पहुंचे, और अब हम अपना टाबो से ढंकर तक का सफ़र इस ब्लॉग में करेंगे. भाई रोड इतनी ख़तरनाक बन रखी है ना यार, क्या देखो, एकदम खाली रोड, सामने पहाड़, दोनों तरफ से एकदम खाली पहाड़ है और सामने जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, और सुंदर रोड, आसपास कोई नहीं, ना कोई गाड़ी ना कोई दूसरा व्हीकल, मैं अकेले ही चला जा रहा हूँ. मैं फ़िलहाल निकल चुका हूँ टाबो से ढंकर जाने के लिए. यहाँ से थोड़ी दूर के बाद, मतलब एक घंटा लगेगा मुझे यहाँ से मेन रोड तक पहुँचने के लिए, जहाँ से ढंकर की रोड कट के ऊपर की ओर जाएगी. ढंकर दूसरे एक हाइट पे लोकेटेड मोनेस्ट्री है. वहाँ पे एक और छोटा सा लेक है जो कि एक नेचुरल लेक है, नाको जैसा नहीं है. वे उस टर्न पे जो हमको 50 मिनट दूर दिखा रहा था, सो दिस वे इज काजा, दिस इज धनकर 8 किलोमीटर्स. सो लेट्स गो टू धनकर. काजा हमें जाना नहीं है, फिर आके हमें उधर पिन वैली से होकर निकलना है आज. अभी समय हो रहा है 4 बजे आसपास, 4-5 हो रहा है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक घंटा हमको लगेगा, क्योंकि 8 ही किलोमीटर है यहाँ से ऊपर धनकर मोनेस्ट्री, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा 8 किलोमीटर कवर करने के लिए. लेकिन काफ़ी स्टीप है और रोड की कंडीशन तो जैसे चालू हो गई यार. ये सलाह पता है क्या, स्पीति में आप कहीं भी चले आओ, आपको रोड कहीं अच्छी है कहीं ख़राब है, कंटिन्यूस आँख बंद करके आप गाड़ी चला ही नहीं सकते. तो उस कंडीशन में हम नहीं रहेंगे और उस हिसाब से हम अपना टाइम मैनेज करके चल रहे. फ़िलहाल तो अभी रास्ता थोड़ा सा ठीक हो गया है, स्टीप हाइट है एकदम, और नज़ारे बहुत सुंदर हैं यार, बहुत ख़तरनाक नज़ारे. यहाँ पे ठंड है, सामने पूरी पहाड़ एकदम बर्फ़ से घिरे हुए यार. इन्हीं सबको तो देखने के लिए मैं चला आ रहा था इतनी दूर से. इतना एक्साइटमेंट है, इतनी खुशी हो रही कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता. मतलब जो चीज़ आप हमेशा देखते रहो, सोचते रहो, आपने इतने ब्लॉग्स देख डाले यूट्यूब पे छान छान के स्पीति के, और फाइनली आप स्पीति कर रहे हो, और वो सारी चीज़ें जो आप टीवी में या फिर मोबाइल में देखते थे वो देख रहे हो. सामने देखो वहाँ पे मोनेस्ट्री दिख रही है थोड़ी सी. अब थोड़ा टाइम और लगेगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे. उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा, अगर मोनेस्ट्री के अंदर वैसे जाने नहीं देते, मतलब कैमरा लेके मैं नहीं जा सकता नहीं, और इसके लिए मैंने आपको टैबो का भी नहीं दिखा पाया. बाहर से मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कैसा है मोनेस्ट्री. चलो यार जल्दी से चलते हैं, क्योंकि शाम हो जाएगी तो थोड़ा सा ठंडक भी हो जाएगा. अपने को मठ पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मठ यहाँ से काफ़ी दूर है. 50 किलोमीटर के आसपास का सफ़र मुझे अभी मठ जाने के लिए करना पड़ेगा. वेलकम टू धनकर. लिखा क्या वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये है धनकर, दिस इज धनकर मोनेस्ट्री, एंड उसके ऊपर से लेक हो गया. जी भाई यहाँ लगाते छांव में. दिस इज धनकर मोनेस्ट्री. प्यारे बच्चे यहाँ पुलिस वाली को देख के भाग रहे हैं सब डर के, कह रहे पुलिस. ये है नई मोनेस्ट्री, और ऊपर दिख रही हो पुरानी मोनेस्ट्री है, तो हमको पुरानी मोनेस्ट्री जाना है. चलो चले. और लेक का कुछ ऐसा सीन है भाई कि लेक 2 किलोमीटर की ट्रैक है. हाँ ऐसा नहीं करना. वीडियो बना रहा मेरी. तो 2 किलोमीटर का ये ऊपर से लेक है, ट्रैक है, जो कि मैं करने से रहा. वी हैव रीच्ड होल्ड धनकर मोनेस्ट्री. बाइक मैंने वहाँ खड़ी कर दी है, देखो बाइक दिखा दूँगा.
ये खड़ी है मेरी बाइक, और वैली कुछ ऐसी दिखती है, सामने पहाड़ी पहाड़ है। चलो मोनेस्ट्री के अंदर चले, बहुत पुरानी है यार ये। सो धनकर मोनेस्ट्री को विजिट करके हम आ गए अंदर। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो हम कंटेंट नहीं बना सकते अंदर। वो रिस्पेक्ट करना चाहिए हर एक के कल्चर का। साथ ही के साथ अंदर एकदम मड का पूरा है, हाइट सीलिंग कम है, पुरानी लकड़ियों की सीढ़ी है, तो जो हिसाब किताब है ना बहुत पुराना है, और उसको उन्होंने वैसे ही प्रिजर्व करके रखा है। अंदर प्रेयर रूम है, मेडिटेशन रूम है, साथ ही साथ उनके स्कल्पचर्स कुछ हैं, पेंटिंग्स हैं। धनकर लेक वहाँ कहीं है, तो धनकर हम तो फ़िलहाल नहीं जाने वाले, क्योंकि 2 किलोमीटर की ट्रैक है जो कि खड़ी है एकदम, वो मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, इतना गियर वियर में है, कहाँ चेंज करूँगा यार। तो इसके लिए पहले अब हम सीधा चलते हैं मड विलेज, वहाँ पे रहेंगे स्टे, एंड फिर कल हम काजा का प्लान करते हैं। चलो लेट्स रोल बैक। भाई इतनी खूबसूरत मोनेस्ट्री बना रखी है ना यार, इतना बढ़िया लगता है, जो पुरानी चीज़ें एकदम प्रिजर्व करके रखा है लोगों ने, ऐसा पेंटिंग्स है ना, जो सारी मिट्टी के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, जब आप देखोगे ना आंखों से तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो धनकर का तो हमारा इसका मोनेस्ट्री का तो हो गया भाई ट्रिप, और लेक का जैसे मैंने बताया मैं लेक नहीं जा रहा, अब हम सीधे यहाँ से नीचे उतरेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी लग गया यार। मतलब मजाक लग रहा था कि हमको 4 बजे, मैंने सोचा 5 बजे तक उतर जाएंगे नीचे, और उसके बाद हम 6:30 बजे तक मड विलेज पहुँच जाएंगे, लेकिन अब समय को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि हमको चढ़ने में ही साला 5 बज गया। उतरते उतरते हम 5:30, उतरना थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, तो उतरने में हम 5:30 बजे तक उतर जाएंगे अगर, तो वहाँ से भी हमें अभी 6:30, तो भूल जाओ 7:30 तक हम पहुँचेंगे। ये देखो काम चल रहा है। भाई हम आ गए हैं मेन रोड पे, अब ये था धनकर के लिए रास्ता जो कट के गया था, दिस इज अगेन मेन रोड टू काजा, और यहीं से एक ब्रिज जाता है काजा से पहले। सो काजा से पहले ही एक पिन वैली को रास्ता कट जाएगा, लेकिन उससे पहले भी एक छोटा सा ब्रिज है जो शॉर्टकट बता रहा है, मतलब उससे मेरा 5 से 6 किलोमीटर बचेगा। अब शॉर्टकट्स पे ज़्यादा पहाड़ों में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, करके देखते हैं, चलो इतने एडवेंचर कर लिया तो थोड़ा सा और सही। तो इस शॉर्टकट पे हम चलेंगे जो कि पहले ही पड़ जाएगा जो मेन कट है पिन वैली का उससे, और वो हमको पिन वैली में कहीं पे जोड़ेगा, तो हम वो रास्ता फॉलो करेंगे। बहुत से ख़राब रास्ते चले आए यार, शॉर्टकट है, थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब होगा, एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्सप्लोर करने निकले हैं तो चलो यार एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे से देखते हैं कैसा शॉर्टकट है और वो कहाँ लेके जाएगा हमें। हाँ जी, तो ये वो रास्ता है, ये वो ब्रिज है जो कि एक शॉर्टकट है, और ये सामने से होके जाएगा मुझे पिन वैली के मेन रोड पे जोड़ेगा, वो मेन रोड वाला काजा को निकल जाता है रास्ता, और रोड की कंडीशन जैसा मुझे लग रहा था वैसा ही है, एकदम खच्चर। कोई बात नहीं, ऐसी रोड्स पे गाड़ी चलाने की अब हो गई आदत, तो अपने को तो कोई परेशानी नहीं होने वाली, बट ये है बस भगवान ऐसी रोड काफ़ी लंबी ना हो, बस थोड़ा सा हो तो प्याज समझ में आता है, बहुत लंबा ऐसा पैच हो जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। हो रहा सूरज देखो एकदम सामने चमक रहा है, हो रहा बहुत तेज़ अंधेरा होने वाला है, और जल्दी अंधेरा हो जाएगा। और मड विलेज अराउंड यहाँ से 45 किलोमीटर्स है अभी, तो 45 यहाँ से घाटी पे जाने के लिए धीरे धीरे जाएंगे, रास्ता ख़राब है, तो आप समझिए 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, आराम से 2 घंटे लगेगा। और फिलहाल इस शॉर्टकट पे मुझे मेरे अलावा कोई नहीं दिख रहा, तो अगर बाई चांस कुछ हुआ ना या कोई गाड़ी पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं तो गया आज काम से, क्योंकि शॉर्टकट्स लेने की आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन साला जब भी मुझे लगता है कहीं थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अपने को, थोड़ा सा मेहनत कम पड़ेगी, हम ले लेते हैं और बस चल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो बड़ा फन आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन आगे क्या होगा वो तो अब आगे चल के ही मालूम पड़ेगा। तो इसी रोड को अभी हमें कंटिन्यू रख के थोड़ी दूर जाना है, उसके बाद ये मेन रोड लगेगी, अब कब लगेगी वो भगवान भरोसे भाई, लेकिन ये रोड बड़ी ख़राब है, यहाँ तो रोड ही नहीं है, बस कंकड़ पत्थर, इन्हीं पर हम चल रहे हैं। वाटर क्रॉसिंग, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, खतरनाक है भाई,
यार आज का दिन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था, आज चीज़ें ही ज़्यादा कवर की और हाथ घूमे फिर बहुत मज़ा भी आज बहुत ही आया। तो भाई फाइनली आफ्टर 4 किलोमीटर्स हम मिल चुके हैं हमारे पिन वैली का जो मेन रास्ता है उस पर। अभी तो रास्ता ठीक दिख रहा है, पिन वैली एकदम सुनसान है। और आपको बता दो पिन वैली एक नेशनल पार्क भी है और नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क है। तो यहाँ पे अभी जैसे बर्फ़ चारों तरफ तो मिलेगी, जब हम अंदर जाएंगे मड विलेज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है ऐसा मैंने देखी फ़ोटोज़ में देखा है, गूगल पे देखा है, तो मुझे भी वो एक्सपेक्टेड है। और रोड मैंने सुना कि ख़राब है, बट अभी तो मुझे अच्छी लग रही है, भगवान ऐसी बनाए रखना, क्योंकि आगे की रोड का यार हमेशा मुझे डर लगा रहता है। रोड जब बाइक पे आप निकलो ना, रोड ख़राब हो तो बड़ा अजीब सा लगता है और थोड़ा सा मन टूट जाता है, लेकिन ठीक है वो भी अपना एक पार्ट है एडवेंचर का। रोड एकदम सुनसान भाई, कोई नहीं, बड़े बड़े पहाड़, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक रोड नहीं है। और लेकिन मेन प्रॉब्लम की बात क्या, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा यार। मैं जब से चल रहा हूँ आधा घंटा हो गया मुझे चलते हुए, मुझे एक बंदा नहीं दिखा। हाथों में देखो एकदम नमी सी पड़ रही है, ठंड यहाँ पे ज़्यादा है भाई। काजा ओजा के मुकाबले मड विलेज में बहुत ठंड है। बगल में नदी बह रही है, वो भी एकदम गलन वाली नहीं कहते, वैसी ठंड हो रही है। बर्फ़ ऐसा लग रहा हम जैसे बर्फ़ के पहाड़ों में जैसे चिटकुल में घुस रहे थे, वैसा ही यहाँ फील हो रहा है कि हम बर्फ़ के पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए और घुसते हुए। एक तरफ सूरज उस तरफ देखे डूब गया पहाड़ पे, चमक रहा है एकदम सुनहरा गोल्डन कलर का, इतना खतरनाक लग रहा है ना कि ये शायद वीडियो में उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा जितना मुझे देखने पे लग रहा है। एक चीज़ का डर भी है यार कि आगे अगर कोई मिले यार, दो चार लोग मिलते रहते हैं ना रास्ते पे तो अच्छा लगता है, नहीं तो यार अकेले यार ऐसी रोड्स पे जाना वो भी 40-50 किलोमीटर बड़ा मुश्किल काम है भाई। सोलो यार करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। चलो कोई ना, हम निकल पड़े तो करना तो पड़ेगा ही इसको भी। सब सामने सूरज देखो यार जो डूब रहा है ना, ये पड़ रहा बर्फ के ऊपर से सुनहरा चमक रहा है सोना खतरनाक रोड इतनी खतरनाक है, मजा आ रहा है इसमें चलाने में, डर लग रहा है आज पता है क्यों। थोड़ा सा मुझे पहली बार, मतलब अभी तक मैं निकला हूँ जब से पुणे से, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लग रहा है यार ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। वाइल्ड लाइफ है, एरिया है पूरा पहली चीज़, दूसरी चीज़ सुनसान है, रोड भी ठीक नहीं है। और अपने को लास्ट विलेज में जाना है, यहाँ से 3-4 विलेज क्रॉस करना है। हर विलेज की पॉपुलेशन आपकी 20-30-40 इतनी ही है, इससे ज़्यादा पॉपुलेशन ही नहीं है यहाँ पे। और काफ़ी ख़तरनाक है यार ये एक्सपीरियंस करना एक बार आप, मतलब मैं फील ही कैसा कर रहा हूँ ना मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ख़तरनाक फीलिंग है ना यार इस रोड पर इस टाइप पर चलते हुए, जब आपके चारों तरफ मिक्स इमोशन चल रहे हो, डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, लग रहा थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या होगा कैसा होगा, वो सब बहुत खतरनाक है भाई। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था वैसा ही मिल रहा है, कुछ अलग नहीं मिल रहा, लेकिन इतना नहीं था कि यार मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो होंगे, मतलब लोग जाते हैं यार मड विलेज, लोग जानते हैं और वहाँ पर पब्लिक जाती है गाड़ियाँ भर भर के, लेकिन अभी पता नहीं क्या है कि कोई नहीं दिख रहा, या तो मैं लेट हो गया हूँ कि मुझे कि शाम के टाइम कोई जाता नहीं है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कुछ, बहुत कंफ्यूजिंग है यार। अब देखो ठीक है, अब अपन तो चल ही रहे हैं, पहुँचना है ना यार, बस अब क्या कर सकते हैं, अब पीछे मुड़ के जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से काजा है अब अराउंड 40-50 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 30 किलोमीटर यहाँ से ब्रिज के बाद था, तो अब वहाँ भी जाना एक ऑप्शन नहीं है। तो अब ठीक है, अब जब निकल पड़े हैं तो चलेंगे। नज़ारे देख रहे हो, चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़, नीचे नदी, आप ब्रिज पे अकेले चले जा रहे हो यार, इससे ज़्यादा औसम कुछ हो नहीं सकता। फिलहाल सामने एक गाड़ी मुझे मिली थी जो लोकल की गाड़ी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिलके उनसे, और अब मैं उसी गाड़ी को थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ। वो जो लास्ट विलेज है वहाँ तक तो नहीं जाएगी, लेकिन उसके पहले एक विलेज है वहाँ पे जाएगी, वहाँ के बाद एक मतलब जो सुनसान रोड है वो फॉलो करना ही है। बट अभी तक के लिए मन को तसल्ली कि हाँ भाई कोई साथ में चल रहा है, और जो बर्फ़ के पहाड़ थे हम वहाँ पे घुस गए हैं, ये देखो। चलो भाई आप जाओ 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 जाओ, मुझे जाने दो, ठीक है चलो। तो बर्फ़ के जो पहाड़ है ना यार, हम उनके एकदम पास आ गए, सूरज मुझे लगा था वहाँ पे सनसेट हो गया, लेकिन अभी देखो सूरज चमक रहा है खतरनाक, और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड है मैं भी आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे हाथों में अब लिटरली ठंड लग रही है। मैंने 2 ग्लव्स ऑलरेडी पहन रखे हैं, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही है, और अब हमें और मज़ा आने वाला है, क्योंकि जितनी जितनी हम अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली है। सड़कों पे भी बर्फ़ होगी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी से चालू हो गया है। एक मिनट पूछ लेते हैं, कन्फ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है।
हाँ तो भाई, जो सेकंड लास्ट विलेज था अब उससे तो निकल गए, अब हमारा सबसे आखिरी विलेज है मड विलेज। अब हमको वहीं पहुंचना है, उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि वहां से क्या होता है कि सारी जो ट्रैकिंग होती है ना वो स्टार्ट होती है, जो कसोल की ट्रैकिंग होती है, पार्वती वैली की ट्रैकिंग होती है, वहां से बहुत ज़्यादा कैंप्स हैं वहां पे सारी होती है। और क्योंकि इतनी बर्फ़ है वहां पे, अब रोड की भी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो गई यार। ये कीचड़ और पानी जब आ जाता है ना बर्फ़ वाला, तो ये ज़्यादा दिक्कत देता है। अगर आपका ऐसी नॉर्मल ख़राब रोड है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, तो चल जाता है, लेकिन ये कीचड़ में इतनी ज़्यादा स्किड करती है गाड़ी ना, और बर्फ़ काली जब बर्फ़ हो जाए ना, ओ माय गॉड, ये तो ख़तरनाक सोने पे सुहागा, मतलब अगर ख़राब में सेंस में बोलूँ ना तो सोने पे सुहागा हो गई कंडीशन ये रोड की। बाप रे, आगे चल के पता नहीं क्या होने वाला भाई। अभी भी 15 किलोमीटर जाना है यहाँ से, 15 किलोमीटर इस रास्ते पे आप सोचो कम से कम, नहीं तो आधे घंटे के ऊपर, आधा घंटा तो मैं कम बोल रहा हूँ, 40 मिनट कम से कम लगेगा अभी से भी। और हवा इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है मैं बता नहीं सकता आपको। अब मुझसे मतलब हो रहा है ना कि जैकेट से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे रुक के कहीं जैकेट पहनना पड़ेगा। तो हम पहुंच गए हैं मड विलेज। ठंड इतनी तेज़ है कि माइनस में है टेम्परेचर, और थोड़ी देर में पानी में सब जम जाएगा। एंड अगर आप देख पा रहे हो मेरी लेयरिंग में, अगर आपको दिखाऊं, एक लेयर इसके अंदर मेरी राइडिंग जैकेट, दो लेयर इसके अंदर है मेरी विंटर जैकेट लाइनर, उसके अंदर है मेरा स्वेट शर्ट, उसके अंदर है मेरा थर्मल, और मैं कपकपा रहा हूँ। मतलब 6 लेयर पहनने के बाद भी हालत ख़राब है। हाथ में थोड़े से अभी सेक के आया हूँ, इसलिए मैं मोबाइल होल्ड करके ब्लॉक कर पा रहा हूँ। बहुत ठंड है भाई। व्यू अगर आप देखोगे तो ये व्यू है कुछ, मोबाइल स्टेबल ही नहीं हो रहा, हाथ कांप रहे हैं इस तरीके से। दूसरी चीज़, मैंने कहीं बुकिंग की नहीं थी, आते ही मैंने एक गेस्ट हाउस देखा, उसमें मैं पता किया तो 1000 रुपये मांग रहे थे सिंगल के लिए, थोड़ा बार्गेनिंग किए तो 700 में डील फाइनल किए। अब 700 रुपये पर नाइट, तो इनका रेस्टोरेंट ऊपर है, जा रहा हूँ गर्मा गर्म एक चाय पीऊँगा, फिर कल सवेरे अपन यहाँ से निकल चलेंगे काजा के लिए। फिलहाल इतनी ठंड है, इतनी ठंड, आज क्या होगा भाई, रात को समझ नहीं आ रहा। सामने देखो, लोगों ने अपने घर में यॉर्क पाल रखा है। चलो दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ तुमको, लेकिन व्यू देखो यार, भाई साहब ये होता है व्यू। यहाँ है बैठने की व्यवस्था, ये अपना ऊपर कैफे, ये है तारा होम स्टे रिजॉर्ट्स, दिस इज द कैफे, और ये कैफे से व्यू। कैफे थोड़ा सा गर्म है भाई, ठीक है चाय पीते हैं फिर चलते हैं। भाई आ गया अपना डिनर, आज मंगाया है मिक्स वेज, रोटी सैलड। इतनी हो रही है ना कि फ्रीजिंग कोल्ड यार, फ्रीजिंग कोल्ड, 3-4 रजाइयाँ ओढ़ा हूँ फिर भी ठंड जा नहीं रही है, खतरनाक कोल्ड है भाई। चलो खाना खाते हैं यार। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ, इधर तो कुछ भी नहीं दिखेगा, इधर पूरी घाटी है। बढ़िया खाना खा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ सोने, थोड़ा सा ब्लॉग का देखता हूँ काम होगा तो होगा, क्योंकि आज नेटवर्क तो है नहीं भाई, और कोई भी नेटवर्क नहीं आज पूरे गांव में, नेटवर्क नहीं रहता। कहीं किसी को बात करनी होती है तो 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ा बीएसएनएल का पकड़ता है ब्रिज के दूसरी तरफ। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करूँगा, कल मिलता हूँ, कल यहीं से डे स्टार्ट करेंगे काजा के लिए।